चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सरोजिनी लबाने जलगांव महाराष्ट्र से। जी जय भीम सभी को। जय भीम। हां जय भीम नमोता बहन जी बोलिए। घर में रहने की साधारण समाज का विचार करने वाली महिला हूँ जी। वी द पीपल, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं, सब भारत के लोग जो भारत में रहते हैं वो सभी जो बहुजन मूल निवासी है भारत में रहने वाले हैं। पुराने बुद्ध के शब्द में कहे तो आप समन हैं जी। यही कि जिसकी आवाज है, जो आवाज उठाते हैं, जो संगठन में रहते हैं, संघ में रहते हैं, वो सब मूल निवासी भारत के रहने वाले। बहुजन समाज के सामाजिक, राजकीय, अन्य तरह की संगठन में जो काम करते हैं, जो एक साथ मिलजुल के रहते हैं, विचार सोच करते हैं, वो सब भारत के जो विचार और सोच करने वाले जो लोग हैं, वो मूल निवासी है। आप उसके मेंबर हो सकते हैं और जो आगे चल के अपने समाज के लिए प्रति जो काम करने के लिए तैयार है उसका संघ भी बना सकते हैं। इसलिए समन संघ, ये जो संघ बनाया है, ये जो भारत के रहने वाले हैं, मूल निवासी लोग हैं और जो सोच विचार करने वाले हैं, उनका संघ है। तो महाराष्ट्र में या देश में कहीं भी देखो, अपने जो संगठन है वो विविध पार्टी या क्या बोलते हैं, राजकीय पार्टी है, छोटे छोटे पार्टी में बटे हुए हैं, तो वो सब जो हम हैं, हम हैं, अहम भाव में रहते हैं, लेकिन जो संघ में काम करने वाले हैं, समन संघ में काम करने वाले हैं, उसमें कोई नेता या पुढ़ारी या माला पहनने वाला या कोई नेता नहीं है। वो पैसे का मामला नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो समन संघ के लिए, बल्कि उसके लिए करने वाले जो अलग अलग टुकड़ों में जो बांटे गए हैं, जो बहुत सारे टुकड़ों में बांटे गए हैं, वो सब मिलजुल के ये समन संघ में आए हैं, विचार सोच विचार कर रहे हैं। तो जो बाबा साहब का विचार है, जो फुलेश्व अंबेडकर जी का विचार है, वो आगे चल के अपने जो भविष्य वाला भारत है उनको बता रहे हैं कि ये कैसे मिलजुल के संगठन संघ बनाने से कैसा फायदा होता है। अपन सब विचार विनिमय करने वाले लोग बन सकते हैं। ये इसलिए ये संगठन, ये संघ बनाया है, ये समन संघ निर्माण किया है। तो वी द पीपल, उसमें नेता पुढ़ारी कार्यकर्ता जो सब जितने भी आए हैं ये इसमें लोग, वो पूरे कार्य करते हैं। किसी के पास कितना पैसा है, क्या है, कौन सा पद है, क्या है, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये संघ है बाबा साहब के विचारों का, फुलेश्व अंबेडकर के विचारों का और स्त्री समानता वाला ये संघ है। तो इसमें जो भाग लेने वाले लोग हैं, वो 10 साल के ऊपर वाले जो विचार करने वाले हैं, तो वो ज्यादा करके 20 साल के जो तरुण पीढ़ी है वो विचार कर सकती है, और जो स्वतंत्र है, जिसके पीछे कोई ऐसा लाठी गे के खींच के नहीं लाने वाला है, वो जो विचार कर सकता है वो ही संघ में प्रवेश कर सकता है। और समन संघ में प्रवेश के लिए जाति और जनजाति का कोई भी हिस्सा ले सकते। इसमें कोई उच्च नीचता या भेदभाव नहीं है, कोई भी जाति का आ सकता है समन संघ में। और व्यक्ति महत्व नहीं है इसमें, सबको विचार करने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। बाबा साहब के प्रति जो प्रेमी जो कार्य किया है वो विचार देने के लिए यह आता है, कोई ऊंचा नीचे या बड़ा छोटा नहीं है।
उसमें स्त्री समानता है, लिंग भेद नहीं है, सभी आके अपना विचार विनिमय कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और यहाँ महापुरुषों का जो खुले है, शाहू महाराज है, पेरियार रामास्वामी नायकर है, ये सब महापुरुषों ने जो जो काम किया है वो बता सकते हैं, उनके प्रति आदर रख सकते हैं। और ये संघ पुराना है, प्राचीन है, बुद्ध के टाइम का है, इसलिए बुद्ध ने जैसे स्त्री समानता दी है, स्त्री शिक्षा दी है, भेदभाव नहीं है, वो संघ अभी तैयार हुआ और संघ बन के क्या बोलते हैं, विचार विनिमय कर रहा। और विज्ञान पर आधारित है ये पूरा संघ जो है, वो विज्ञान पर आधारित है, उसमें जात अंधश्रद्धा, जादू टोना, ये फालतू की जो चीजें है जो महिलाओं के दिमाग में बैठी है पुराने जमाने से अभी तक, पढ़ी भी लिखी भी महिला तो भी उसके मन में जो अंधश्रद्धा है, जादू टोना है और मंत्र तंत्र है, ये संघ में नहीं है, ये विज्ञानवादी संघ है। इसलिए दोपहर को इसलिए ये संगठन संघ बनाया है। दोपहर को मुझे एक बहन का फोन आया था, कांचन लता बहन जी का, तो वो उन्होंने एक बड़ी बात बोली मुझे, महाराष्ट्र की महिलाएं जो है वो स्वयं खुद चल के संघ में शामिल होती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो महाराष्ट्र के पुरुषों का ये महाराष्ट्र जो है, ये जो अपने बाबा साहब का देश है, फुलेशाह अंबेडकर का देश है, उन्होंने जो शिक्षा दी है महाराष्ट्र के महिलाओं को, तो वो उसके पीछे उसके विचारधारा से प्रेरित होके वो खुद चल के आती है। और उन्होंने 53 जुड़े हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है, शाहू महाराज ने क्या किया है, सावित्री बाई फुले ने क्या किया है, ये सब देखा है, खुद देखा है। तो शाहू महाराज ने जो स्कॉलरशिप दी थी बाबा साहब को पढ़ने के लिए, विदेश में जाने के लिए, आज भी उनके नाम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देता है, विदेश में विद्यार्थी पढ़ने के लिए भेजते हैं। मेरा लड़का भी उपाली गया है विदेश में पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की शाहू महाराज स्कॉलरशिप लेके ही गया है मेरा बड़ा लड़का। और महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने महिला के लिए शिक्षा दी है, वो पहले जो शिक्षक थे, जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, स्त्री मुक्ति के प्रणेते थे। स्त्री मुक्ति यानी जो स्त्री को वर्षा बहुत इतने दिन से गुलामी में जीती थी, उनको बाहर निकाल के पढ़ाई के लिए स्वातंत्र दे के उन्होंने एक क्या मानवतावादी जीवन दिया है। बाबा साहब तो पितामह है कि जिन्होंने महिलाओं के लिए सर्वाधिक हक दिलवाया। पूरे देश में जो महिला है वो जनसंख्या के आधी जनसंख्या है, 50% महिला है। तो वो 50% जो महिला है वो जानवरों की तरह जिंदगी जीती थी, इसलिए बाबा साहब ने घटनात्मक अधिकार दिए उनको। जो अधिकार है वो सब जो अभी बड़े बड़े पोस्ट पे है महिलाएं, वो सब किसने दिया है, तो बाबा साहब ने दिया है। तो महाराष्ट्र की महिला तभी बाबा साहब के साथ थी जब बाबा साहब चौदार तलाव का सत्याग्रह किया, पहले महार परिषद नागपुर में ली
और लाखों महिला तब बाबा साहब के साथ उपस्थित रही। उसमें बेबीताई कांबड़े है, शांताबाई दानी है, सुलोचना डोंगरे है, राधाबाई कांबड़े है, जयवंताबाई देशभ्रतार है। तब ये महिला पहली जब परिषद हुई तब लाखों के साथ आई थी, लेकिन बाबा साहब के कार्य पर विश्वास था, इसलिए ये सब महिलाएं उसके उनके साथ थी। तो महाराष्ट्र की महिला जो अंबेडकरवादी है, जो बाबा साहब को मानने वाली है, फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाली है, वो जानती है और वो खुद चल के आती है। उनको कोई आदमी या घर का पुरुष खुद चल के आती है, खुद विचार करने वाली महिला है, इसलिए आती है। तो जब दीक्षांत समारोह हुआ नागपुर में, उसमें भी बहुत लाखों की संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। मेरी मम्मी भी छोटी सी थी तो वो बताती है कि मैं सफेद साड़ी पहन के चंद्रपुर में जाके बाबा साहब ने दीक्षा दी तब उनके सामने जाके बैठी मैं। वो बहुत गर्व से ये कहानी सुनाती है मेरी मम्मी। तो उनको सभी महापुरुषों को बता, ये सभी ये महिलाओं को बताना नहीं पड़ता कि आप जाओ मोर्चे में, आंदोलन में जाके अपना योगदान दिखाओ, ऐसा बताना नहीं पड़ता महाराष्ट्र की महिलाओं को। जो अंबेडकर को मानती है, जो अंबेडकरवादी है, वो महिलाएं। तो जो बुद्ध को मानती है, जो सम्राट अशोक को मानती है, तो राजश्री शाहू महाराज फुले, ज्योतिबा फुले बाबा साहब को की ये बेटियां है, यो ये सब बोलती है, हम गर्व से बोलती है कि हम भीमराज की बेटी है। मेरा ये विचार आपने शांति से सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, संगम में मुझे शामिल किया, इसलिए मैं सब भाई बहनों का शुक्रगुजार हूँ। सबके लिए क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्ध। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
साधु साधु।